हम सब संग में। उड़ीसा को अपनी महानदी की सभ्यता को बचा के रखना है तो पहले महानदी को बचाना पड़ेगा। इस नदी का मालिक किसी उद्योग इन उद्योगपतियों को मत बनाओ, ये समाज की है। नदी सबकी माँ है, माँ के साथ राजनीति नहीं की जाती। माँ को राजनीति का लाभ उठाने के लिए बाजार में बेचा नहीं जाता, उसके फोटो खींच के दिखाया नहीं जाता। माँ तो माँ होती है। कोर्ट में तो इसका कभी समाधान होगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, आंख बंद करके लिख के दे रहा हूँ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ନଦୀକୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସେହି ନଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ସଭ୍ୟତା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମହାନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସେଇଆ। ମହାନଦୀ ଯା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଧାରା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ମହାନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତ କଟକରୁ କଲମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଏବଂ କଲମାରେ ସ୍ଥିତି ପରିଖିଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାୟ ଥିଲା ତାକୁ କିପରି ସମାଧାନ ହେବ, ସେ ଚିରଶ୍ରୋତା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଣେ, ଯିଏ ୱାଟରମ୍ୟାନ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇଥିଲେ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ପରିଖିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ ହେ। जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है नदी के किनारे में विकसित हुई है, लेकिन नदी अगर मृत्यु मुख में पड़ता है तो उसके साथ सभ्यता भी चला जाता है। महानदी की स्थिति कलमा में क्या है, आप क्या देखे? देखो, ना केवल भारत की सभ्यता, दुनिया की सभ्यता नदियों के किनारे ही पैदा हुई और वहीं विकसित हुई और वहीं मर जाती है। जब नदियों की चिंता समाज को नहीं रहती, सरकारों को नहीं रहती, राज को नहीं रहती, तो नदी मरती है तो साथ के साथ सभ्यता भी मर जाती है। नदी पहले मरती है फिर सभ्यता मरती है, तो यही महानदी के साथ हो रहा है। कल मैंने अपनी आँखों से, कल 19 मई थी, 19 मई को हम 11 बजे वहाँ थे सूखा सोडा में, पूरी नदी सूखी हुई थी, मीलों तक नदी में कहीं भी पानी नहीं था। तो नदी तो सूख गई, मर गई, और वो पूरा रेगिस्तान जैसा दिखता है दूर से। तो जब नदी रेगिस्तान बन जाती है तो फिर नदी के किनारे के जो लोग हैं वो भी बेपानी होकर लाचार, बेकार, बीमार बन के उजड़ जाते हैं। इसी तरह सभ्यताएँ नष्ट होती हैं। तो यदि उड़ीसा को अपनी महानदी की सभ्यता को बचा के रखना है तो पहले महानदी को बचाना पड़ेगा। उड़ीसा के लोग महानदी को माँ कहते हैं, लेकिन इस माँ की हत्या कलमा बांध बैराज ने कर दी। उस कलमा बैराज में 66 दरवाजे हैं, 66 गेट हैं, और 66 गेट में से यदि ये 5 गेट भी खोल दें तो कलमा पर से इस नदी के फ्लो दोबारा से पुनर्जीवित हो सकते हैं। और ये हम डिमांड जो इनके सरकार के कानून है, 11 अक्टूबर 2018 का कानून है जो हमारे नदियों के सत्याग्रह के बाद भारत सरकार ने नोटिफाइड किया था, उसके अनुसार 30% तो मिनिमम फ्लो है। मिनिमम, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं है, ये मिनिमम फ्लो है। 30% से वर्तमान 0% भी पानी नहीं आ रहा है। जीरो भी बिल्कुल ही नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को पहले अपने कानून की पालना करवानी चाहिए जो 11 अक्टूबर 2018 का है, रिवर के इन्वायरमेंटल फ्लो का। दूसरा, हम छत्तीसगढ़ सरकार से कह रहे हैं कि भाई तुम सरकार हो, इस नदी का मालिक किसी उद्योग इन उद्योगपतियों को मत बनाओ, ये समाज की है, ये पेड़ों की है, ये मछलियों की नदी है, ये सबकी नदी है। इस नदी पर समुद्र का भी हक है, सबको चाहिए। ये किसी इंडस्ट्री को इसका मालिक बनाना उचित नहीं है। इस नदी में आप जो भारत सरकार का सबसे लेटेस्ट लॉ है, नोटिफिकेशन है, 30% मिनिमम फ्लो तो दे दो। और मैंने 30% से ज़्यादा फ्लो नहीं मांगा, मैंने केवल 5 गेट मांगे हैं। और गेट कितने हैं उसमें आपको मालूम है? 66। अभी इस पर बात हो जाए, फिर नापतोल होके फिर तय होगा, जो जजमेंट होगा तब देखा जाएगा। महानदी एक राष्ट्रीय नदी है लेकिन आज छत्तीसगढ़ के कब्जा में है, ये समाधान कैसे होगा, सोल्यूशन कैसे होगा, पॉलिटिकली या फिर जुडिशियली कैसे समाधान? देखो, ये जो सरकारें होती हैं ना, ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में बड़ी मास्टर होती हैं। भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल पर डाल दी और ट्रिब्यूनल को 4 साल हो गए, उन्होंने कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं दिया। इंट्रीम ऑर्डर यदि उड़ीसा सरकार दबाव डालती
तो कम से कम नदी का फ्लो तो ले लेती, और बातों के बाद में निर्णय होते रहते। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो सजगता हमें चाहिए थी, जो हमें सजगता दिख रही थी उनके अंदर, वो उन्होंने इस ट्रिब्यूनल के सामने दिखाई नहीं। दोनों सरकार, ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार भी, आप जो से मिल बैठ के समाधान कर सकते हैं या फिर कोर्ट में समाधान? कोर्ट में तो इसका कभी समाधान होगा नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, आंख बंद करके लिख के दे रहा हूँ, महानदी के विवाद का समाधान कोर्ट में नहीं होगा, जुडिशरी में नहीं होगा, ट्रिब्यूनल नहीं करेगा। इसका समाधान करना है तो दोनों राज्यों के लोग बैठ के करेंगे। जो इलेक्शन जब आता है, ये इशू महानदी का इशू ज्यादा उठता है, पॉलिटिकलाइज हो गया है। अरे पूरा पॉलिटिकलाइज हो गया है। जब चुनाव था तब सब बोल रहे थे, सारी पार्टियां आ रही थी, कोई पार्टी बची नहीं थी जो हमारी मीटिंग में ना आती हो। आज एक नहीं है, आज दिख रहा है कोई पार्टी का लीडर यहाँ? उस वक्त कोई पार्टी नहीं बचती थी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेडी हो, सबके लोग खड़े रहते थे हमारी मीटिंग में। आज एक नहीं है, एक है ना, सुदर्शन प्रधान, समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो, ये जो नदी को पॉलिटिकलाइजेशन करना अच्छा नहीं है। नदी सबकी माँ है, माँ के साथ राजनीति नहीं की जाती। माँ को राजनीति का लाभ उठाने के लिए बाजार में बेचा नहीं जाता, उसके फोटो खींच के दिखाया नहीं जाता। माँ तो माँ होती है।